डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साईं प्रभो, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं साईं वाणी में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज खुशी क्यों हो रही है? क्या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हो आप कहेंगे कि सुनील जी आप इतने खुशी के साथ हमें कह रहे हो? 18 तारीख को, 18 जून 2023 को 150 लोगों के साथ साईं वाणी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम पुणे में हो रहा है, मराठा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुणे। इस सभागृह में मैं खुद बाबा के आशीर्वाद से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। पूरा दिन भर मेडिटेशन के साथ लोग जुड़ेंगे और अपने लक्ष्य को तय करके जिंदगी में कहीं पहुंचने का सपना देखेंगे। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, ये आखिरी इसलिए मैंने बोला शुरू में कि अभी समय आया है कूदने का, अभी समय आया है। पानी में अगर तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा भाई और बहनों, ना किसी बाहर बैठ के तैरने के सपने देखने पड़ेंगे। अपने को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे का अनुभव काम नहीं आएगा, अपना खुद का अनुभव अभी सबके साथ साझा करना पड़ेगा। और इसलिए साईं बाबा का आशीर्वाद है। बाबा ऐसे ही अपने भक्तों को शिरडी में सबको ज्ञान देते थे और बाबा ने हमेशा कहा है कि मेरा जीवन ही मेरी जीवनी है और मेरा आशीर्वाद ही सब कुछ है। उन्होंने ऐसे कुछ लिख के नहीं रखा है, जो अनुभव उन्होंने अपने भक्तों को दिए आज भी वही अनुभव बाबा देते हैं और मुझे तो नित्य नियम से अनुभव दे रहे, इसलिए मैं इतना खुश हूं। ये कार्य है, ये जीवन की एक क्षमता है, सातत्य है, दृढ़ता है, संकल्प है और इसी के साथ हमें कार्य करना है। साई ध्यान और साई क्रिया करते करते हमें जुड़ना है लोगों से, लोगों के जीवन में बदलाव लाना है और ये बदलाव हमारी क्रांति है, हमारे विचारों की क्रांति है, हमारे शक्ति की क्रांति है, हमारे भक्ति की क्रांति है। और शक्ति और भक्ति के साथ जुड़ना है तो परिवर्तन आएगा, कोई दोहरा नहीं है परिवर्तन आने में। सिर्फ आपको उठना है और एक एक कदम चलना है और तब तक चलना है जब तक आप अपना लक्ष्य पूरा ना करें। और इसी के साथ हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना है। आस्था चैनल और आस्था भजन के माध्यम से हम अभी 1 महीने के ऊपर 1.5 महीना हो गया हम आपसे जुड़े हैं और 50 दिन पूरे करने के बाद तो मुझे बड़ी शक्ति मिली है, ऊर्जा मिली है आप लोगों से। हजारों करोड़ लोग पूरे देश से जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं सुनील जी हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, साई ध्यान और साई क्रिया करने जा रहे हैं, हमें और बताए किस तरह से ध्यान करना है। एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूंगा। एक बात याद रखना, भारत देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, हम स्वर्ण महोत्सव मना रहे और आजादी का स्वर्ण महोत्सव मनाते हुए हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन आज भी पूरे विश्व में भारत को ध्यान और योग की भूमि कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे यहां हुई
और लोगों ने अभी तक उसको जुड़ना पसंद किया, लेकिन अभी तक अपने जीवन में इस्तेमाल करना, खुद के लिए आत्मसात करना प्रसन्न नहीं किया, इस बात का दुख है। आज भी बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य बोला जाता है, मुझे बड़ा दुख होता है। बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार के लोग मेहनती है। वहां गौतम बुद्ध ने जन्म दिया, ज्ञान की भूमि है, विश्व की, भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी आज बिहार में है। भाई और बहनों, आप भूल कैसे सकते हो, ज्ञान हमारे अंदर है। ये महावीर के जमाने की एक छोटी सी कहानी, भगवान महावीर के जमाने की मैं कहना चाहता हूं। एक राजा था और वो राजा बहुत महान राजा था। महावीर जी को सुनता था तो एक दिन उसको पता चला कि उसके पास कुछ नहीं है। इतना महान राजा जिन्होंने पूरा विश्व जीता था, हजारों करोड़ रुपए उसके पास थे, जड़ जवाहिर थे, मोहरे थे, हाथी थे, घोड़े थे, दरबार था, सेनापति थे, पूरी प्रजा थी और उसको मान सम्मान था। लेकिन जब महावीर को सुना तो उसको पता चला कि ध्यान की शक्ति उस नहीं, उसके पास ध्यान ही नहीं है। तो एक जगह एक तरफ से देखा जाएगा तो बहुत अमीर था और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत गरीब था। फिर प्रसन्नित राजा महावीर के पास जाता है और प्रणाम करके कहता है, गुरुजी आप हमें ध्यान सिखाइए, आप हमें, मैं, आप बोलिए कैसे ध्यान को खरीदना है। वो राजा था, उसको युद्ध करना पता था, लोगों से पैसा देके हासिल करना पता था। आज भी कुछ चीजें भगवान ने अपने पास रखी है, साईं बाबा ने अपने पास रखी है। साईं बाबा कहते हैं अपने भक्तों को, देखो जीवन में कुछ चीजें अपने को ही कमानी पड़ती है, अपनी खुद की सांस अपने को ही लेनी पड़ती है, कोई दूसरा अपनी जगह पे सांस नहीं ले सकता। अपनी सेहत अपने को ही बनाना पड़ती है, अपना ज्ञान अपने को ही बनाना पड़ता है और अपने को सिद्ध करने के लिए ध्यान भी अपने को ही करना पड़ता है। तो प्रसन्नित राजा खुश हुआ, उन्होंने कहा कितने भी जर जवाहिरे लगने दो, मैं खरीद लूंगा, आप मुझे बताइए। भगवान महावीर हंसते और कहते हैं, देख तेरे एक छोटे से गांव में ना, तेरे राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी है जो ध्यान को प्राप्त हुआ है, उसके पास जा जा, उसके पास बाकी कुछ नहीं है लेकिन ध्यान उसको मिला है, चाहे तो तू उससे खरीद सकता है। प्रसन्नित राजा खुश हो जाता है, घोड़े पे बैठ के अपने सेनापतियों के साथ उधर गांव में जाता है। तो वो गरीब आदमी अपने झोपड़ी में बैठा रहता है, जैसे वो राजा को देखता है तो राजा के कदमों में आके वो कूद जाता है और कहता है, महाराज आप यहाँ, राजे आप यहाँ क्यों आ गए, आप मुझे बुलाते मैं दरबार में चला जाता, आप गरीब की झोपड़ी में तक आ गए। तो प्रसन्नित राजा कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि भगवान महावीर ने कहा है तुझे ध्यान प्राप्त हुआ है और वो ध्यान मैं खरीदना चाहता हूं। तो वो गरीब आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, शायद भगवान महावीर जी ने आपके साथ मजाक किया है, मैं आप बोलेंगे तो मेरी जान दे दूंगा लेकिन ध्यान नहीं दे सकता। ध्यान खरीदने वाली चीज या बेचने वाली चीज नहीं है, ध्यान खुद करने वाली चीज है। साईं बाबा को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हो ना, और बाबा का शक्ति और बाबा के आशीर्वाद और बाबा के चमत्कार अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, याद रखना दिल से सिर्फ पुकार लो, अपने दिल से पुकारो, बाबा आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं और बाबा आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां है, जो भी समस्या है, लेकिन ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मेरा अट्टहास एक ही चीज के लिए है और वो एक चीज कौन सी पता है आपको, सिर्फ ध्यान की चीज। मैं कुछ किताबें लिख चुका हूं, 108 किताबें मैंने लिखी तो साई वाणी के माध्यम से लिखी है और साई वाणी साई ध्यान के ऊपर लिखी है। एक निर्वाण उपनिषद, ये जो मेरा बुक है, ये जो मेरा किताब है, उसने ताओवाद के बारे में, ध्यान को किस तरह से आत्मसात करना है उसके बारे में लिखा है। काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार को दूर करना बहुत बड़ी बात है, बोलने के लिए बहुत आसान बात है कि हमने खो दिया सब कुछ, हमने गुस्सा छोड़ दिया, गुस्सा कभी छूटता नहीं है, गुस्सा परिवर्तित करना पड़ता है करुणा में। लालच कभी छूटता नहीं, लालच को देना पड़ता है दान में। और शक्ति कभी कभी संगठित नहीं करनी होती है, शक्ति अच्छे कार्य के लिए लगानी होती है, इसलिए ऊर्जा के साथ जो जियोगे वही कुछ कर पाओगे। बहुत बार कह चुका हूं, कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कर पाए और कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं कर पाए। एक बीज अगर ठीक से बोया जाएगा तो पेड़ बनेगा और वही बीज पूरे धरती पे हरियाली कर सकता है, लेकिन वही बीज अगर सड़ गया ना तो पेड़ भी नहीं और हरियाली भी नहीं। मानव का भी यही है, अगर विकारों के साथ चलेगा तो एक दिन मर जाएगा, कोई भी नहीं पूछेगा। अगर वही शक्ति ऊपर लेके जाएगा तो अपने खुद के अंदर जाएगा, अपने अंदर झांक लेगा तो बहुत कुछ पाएगा।
खुशी किस चीज में है? खुशी ज्ञान में है, खुशी ध्यान में है, खुशी समर्पण में है, खुशी विजडम में है। नॉलेज इज आउटसाइड एंड विजडम इज इनसाइड। नॉलेज बाहर से आता है, ज्ञान बाहर से आता है, लेकिन विजडम जो अंतर का ज्ञान होता है वो अंदर से आता है। और इसलिए मैंने दूसरा किताब लिखा है, मन के उस पार। भाई बहनों ठीक से समझो, ये किताबें अपने जीवन को बदल देगी। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है किताबों से। शायद आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी जब एक साउथ अफ्रीका में प्रवास यहां से वहां तक जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनके हाथ में एक बुक्स आया, अनटू द लास्ट, रस्किन ने लिखा हुआ छोटी सी किताब, 40-50 पेज की। गांधी जी ने पढ़ लिया और जीवन बदल गया। उन्होंने अपने देश को आजादी दी, साबरमती का आश्रम उन्होंने शुरू किया और विश्वस्त की जीवन पद्धति उन्होंने सबको सिखाई। मैं क्यों कहना चाहता हूं बातें, शायद कोई दोस्त बनेगा तो चाहे छुपा के कुछ फंसा सकता है, कोई दुश्मन फंसा सकता है, कोई व्यापारी फंसा सकता है, कोई 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 भी फंसा सकता है, लेकिन अच्छा किताब एक अच्छा गुरु हो सकता है। किताब कभी आपको फंसा नहीं सकता। याद रखना, इस क्रिया को करते समय आपको जुड़ना है हमारे साथ, और ये जुड़ना का महत्व प्रयास है शक्ति को, कदम कदम से एक एक कदम आगे चलो। ये मेरी दूसरी किताब है। बहुत दूर तक पहुंचोगे लेकिन पहला कदम उठाना पड़ेगा। अभी आप उठो, मेरे साथ जुड़ो। आज आपको एक क्रिया करनी है और वो क्रिया है साई क्रिया का दूसरा टप्पा। पहले कल मैंने आपको कहा है, आपको शायद याद होगा, कि आपको आपके जीवन में आपके हृदय के पास आपका ध्यान करके ऊर्जा को पूरे विश्व से जोड़ना है। विश्व की ऊर्जा आपके अंदर आनी चाहिए और आपकी ऊर्जा विश्व के साथ जुड़नी चाहिए। एक बूंद पानी का जब समंदर में गिर जाता है भाई और बहनों, वो बूंद नहीं रहता, वो समंदर बन जाता है। जब हमारी ऊर्जा पूरे विश्व की ऊर्जा के साथ ध्यान के माध्यम से जुड़ जाएंगी, साईं बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने एक जगह पे कहा है, सबका मालिक है, हे बंदे मालिक तेरा ख्याल करेगा। मालिक मतलब भगवान, और भगवान अगर ख्याल कर रहा है तो डर किस बात का है? किस बात से डर रहे हो आप? आपको मैं छोटी सी कहानी बता के एक महत्वपूर्ण विषय कहना चाहता हूं, ध्यान का महत्व। एक गुरु के पास एक बहुत बड़ा शिष्य आता है, और वो शिष्य एक राजा का बेटा होता है। राजा उसको कहता है कि जा सांदीपानी गुरु के पास, जाके तू ज्ञान प्राप्त करके आ जा। सांदीपानी ऋषि के पास जाके वो ज्ञान प्राप्त करता है, 5 साल ऋषि की सेवा करता है, ऋषि के पास रह के पूरी तरह से जीवन समर्पित करता है। ये कहानी भले शायद वो राजा के बेटे की होगी, लेकिन याद रखना आपके लिए सबके लिए वो समर्पित है। अब सबके लिए वो कहानी है, और हमारा सबका जीवन है। हम पहले 5 साल माँ के साथ, पिताजी के साथ रहते हैं, फिर 6 साल के होने के बाद पहली कक्षा में जाने के बाद 15 साल पढ़ते हैं, फिर आगे जाके हम हमारा ज्ञान करके हमारा उद्यम व्यापार शुरू करते हैं। उसी प्रकार वो सब कुछ सीख लेता है 5 साल में। फिर वो 25-26 साल का होने के बाद एक दिन गुरु की आज्ञा लेके फिर अपने घर चला जाता है, अपने पिताजी को मिलता है और पिताजी से आशीर्वाद लेता है। पिताजी पूछते हैं, बेटा बेटा क्या क्या सीखा? आप सबको मैं कहना चाहता, बहुत सारे मेरे मित्र हैं यहाँ बैठे हुए, परीक्षा देते हैं और कहते हैं बाद में कि परीक्षा से कौन कहाँ तक पहुँचा है। हमेशा टॉप क्लास आने वाले लोग बोलते हैं कि क्या वो कहाँ बिजनेस करते हैं, वो तो व्यापार कर नौकरी करते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं। लेकिन याद रखना, वो कक्षा पास करते ज्ञान नहीं कर लेते। जो ज्ञान लेता है वो कभी जीवन में कभी भी पराजित नहीं होता। कोई कला, कोई ज्ञान, कोई समर्पण, कोई शिक्षा, कोई विचार, मैं चाहता हूँ सीखो। सिर्फ क्लास मत बदलो, 8वीं से 9वीं गया, 9वीं से 10वीं गया, 10वीं से 11वीं गया, 11वीं से 12वीं गया, आगे जाके इंजीनियरिंग किया और फिर भी नौकरी के लिए इधर उधर घूम रहा है, वो कला आत्मसात करो, जो कला से आप भारत माँ को ऊंचा उठा सकते हो, अपने परिवार को ऊंचा उठा सकते हो। और ये सब करते समय जीवन क्रांति के सूत्र, ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण किताब है, आपको पढ़ना है। जीवन क्रांति के सूत्र में मेरे सहयोगी बालाजी से कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक के बारे में आप पूरी तरह से स्क्रीन पे जिक्र करें, कि उनको पूरा दिखाए। हमें हमारे जीवन में क्रांति होनी चाहिए, बीज होनी चाहिए, और क्रांति के सूत्र ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है मेरी। हर एक मेरे साई के भक्त ने ये सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैं सुननी इसलिए बोल रहा हूं कि उसके ऑडियो भी हम लाएंगे, लेकिन अभी आपको खरीदना पड़ेगी। हमारे कार्यालय में सुदर्शन जी से संपर्क करके 9604050607, और दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9604050607।
1919 इस नंबर से संपर्क करके आप ये किताबें साईवानी.org इस कॉमर्स से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन क्यों? मुझे बुक्स नहीं बांटनी है, मुझे कोई बुक का व्यापार नहीं करना है, मुझे आपके जीवन में बदलाव लाना है, आपके जीवन में वो क्रांति का सूत्र लाना है। और मैं विश्वास देना चाहता हूं, आपके साथ मैं ऋणी हूं। साईं बाबा ने अपने जीवन में जो जो कहानियां दी है उसमें ये महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको कहने जा रहा हूं, आप शांति से सुन लेना। हर दिन बाबा एक चीज करते थे, हर दिन गरीबों की रुग्णों की सेवा करते थे, अन्नदान अन्न छत्र चलाते थे और लोगों को भजन कीर्तन में लीन करके उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन करते थे। अभी बहुत सारे लोगों की समस्या है, समय नहीं जाता, मोबाइल और कंप्यूटर में इतने तरह से जुड़े हुए हैं कि उनको मोबाइल अगर आधा घंटा बंद रखा तो लोग पागल होने लगे। एक बात कहूँ मैं, आप सब कुछ खोज रहे हो उसमें गूगल में, लेकिन खुद को नहीं खोज रहे हो। और आपको आज जीवन एक खोज, ये महत्वपूर्ण बुक मेरा पढ़ना है। खुद की खोज, जीवन की खोज, अपनी खोज। और अपने को खोजना है तो ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन किस साल के लिए मैंने जो अभी यहाँ पुणे में यवत में जो सेंटर शुरू किया है देवलगांव गाड़ा में, उसमें आपको साईं बाबा के चरणों में साईं आंगन में आना है। साईं आंगन में आके आपको प्रारंभ करना है और उसको जारी रखना है। जीवन में जीवन एक खोज, कौन सी खोज? अपनी खोज, खुद की खोज और साईं बाबा के आशीर्वाद से खुद की खोज। मैं सबसे प्रणाम करना चाहता हूं, सबका मालिक एक है, श्रद्धा और सबूरी है और इन्हीं के साथ हमारी जीवन का विचारधारा के साथ जुड़ने की क्षमता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्पिक शक्ति पाने के बाद हम पहुंच सकते हमारे कार्य के लिए। शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद हम सबको है। बाबा ने आशीर्वाद में साधने के साथ प्रार्थना दी है और प्रार्थना कौन सी है आज मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा। आप मेरे साथ बैठे और ओम का उच्चार शुरू करें। ओम ओम ओम। विज्ञान धर्म और कला, विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ के, कला के साथ आत्मसात करके अपने जीवन में बदलाव लाना, यही हमारा लक्ष्य है। 150 करोड़ जनता का हमारा देश है और लोग बहुत सारी चीज़ें राम भरोसे कर रहे हैं। कुछ पश्चिम के लोग आए, उन्होंने हमारे देश में देखा कि लोग क्रियाशील नहीं है। 75 साल हुए आज़ादी होके, आज भी तरक्की के लिए हम दूसरे देशों का नाम लेते हैं। चाइना ने इतनी प्रगति की, अमेरिका ने इतनी प्रगति की, रशिया ने इतनी प्रगति की और किन लोगों ने की, तो हमारे लोग उधर जाके काम कर रहे हैं। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ, ध्यान और मेडिटेशन के साथ जब अपना जीवन बदलोगे ना, जरूर वहाँ जाओ, लेकिन भारत माता के प्रति एकदम विश्वासार्हता के साथ अपने शक्ति को बढ़ा के अपने कार्यों को बढ़ा। ध्यान की शक्ति आपके जीवन में बदलाव लाएगी और वह विज्ञान के साथ जुड़ोगे तो राष्ट्र को निर्माण करते समय अपने परिवार के साथ, अपने खुद के साथ, पूरे विश्व का कल्याण भारत के माध्यम से हो सकता है। और इसीलिए मेरा महत प्रयास है साईवानी.org से आप संपर्क करें और अपने को जो जो समस्या है उस पर लिखें, अपनी कला जो है हमारे साथ साझा करें। रोजगार से लेके अपने कला तक और विश्व से लेके जुड़ने की क्षमता रखने तक, मैं जानबूझ के आज अभी ये 52 नंबर का मेरा ये साईवानी का प्रयोग है। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ कहानियां बता के आपको मनोरंजन करता रहो, अभी जुड़ना पड़ेगा। उठो और चलो, तब तक मत रुको जब तक पहुंच नहीं जाते हो। जिंदगी में पहुंचना पड़ेगा भाई और बहनों, अभी हमें विज्ञान धर्म और कला के साथ जुड़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह पे कहा था, भारत में जितने लोग हैं उतने धर्म हुए तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म सब में भाईचारा बताने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी के साथ दुश्मनी करने के लिए होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं और बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उठो, अपना अपना कार्य हाथ में ले लो। जो भी अपने मिंटोर है, जो भी अपने गुरु है, जो भी अपने आदर्श है, उनको कार्य के साथ जोड़ो।
ना कि एक जगह पे बैठ के रुक जाओ। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। जो था बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। वो साई बाबा थे और बाबा आपके साथ है, यही कहूँगा। ओम साई राम, प्रणाम। आस्था।